Hey guys, what's up? I'm Arshad Gopal. So, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेज क्वालिटी ईयरफोन्स के बारे में, जो कि अंडर 500 रुपीज़ में, और अगर आप इसे एवरेज यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से बेस्ट है। बाकी अगर आप इसे एकदम रफ़ एंड टफ यूज़ करेंगे तो उसमें नहीं चलेगा। तो बस मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये एवरेज क्वालिटी के लिए ही अच्छे ईयरफोन्स हैं, क्योंकि 500 रुपीज़ के अंदर ईयरफोन, वो भी ब्लूटूथ वाले, मिलना थोड़ा मुश्किल है अच्छे क्वालिटी में। सो ये सब मेरे को अच्छा लगा जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो सबसे पहला जो ईयरफोन है वो है एनी टाइम सॉप्स का मैग्नेटिक ब्लूटूथ ईयरफोन। इस तरीके का मिलेगा, इसमें आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स मिलेगा, जैसे कि वो नॉर्मल ऐसे करके अटैच हो जाता है जब आपका काम हो जाए, और इसमें आपको प्ले पॉज बटन ये सब मिलेगा। और बात करें तो ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन इसके बाद आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, मैं आपको एंड में एक अच्छे ईयरफोन के बारे में बताऊँगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है या जॉगिंग या रनिंग करते हैं तो उस हिसाब से ये बेस्ट होगा। तो ये जो ईयरफोन का प्राइस है वो है अराउंड 300 रुपीज़। ऐसे कि आप फोटो देखें, आप यहाँ से इसे चार्जिंग कर सकते हैं, ये रहा चार्जिंग का स्लॉट, और यहाँ से आप इसे वॉल्यूम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। वायर का क्वालिटी उतना कुछ अच्छा नहीं, मीडियम है। सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेकेंड नंबर के ईयरफोन की तरफ। तो वो है ये वाला ईयरफोन जो कि टेक्निका की तरफ से है, ये आपको मिलेगा 349 रुपीज़ में। 349 रुपीज़ इस ईयरफोन के लिए ठीक है। आप इसे देखें तो ये कुछ दिखने में इस तरीके का दिख रहा है, आप भी सेम है उसी की तरह कि इसमें आपको बोला जाए तो 8 आवर्स का वर्क टाइम है, ब्लूटूथ 4.1 दिया है, और इसमें आपको माइक भी मिल रहा है, माइक उसमें भी मिल रहा था। स्वेट प्रूफ है, काफ़ी अच्छी बात है अगर रनिंग वनिंग के लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। तो वो है सो नंबर 3 में है, वो है सेमी SM-S2 ईयरफोन। ये भी एक मैग्नेटिक ईयरबड्स के साथ मिलेगा, जिसका प्राइस है 325 रुपीज़। ये भी सेम उसी की तरह, ये रेड कलर में, ये थोड़ा एट्रैक्टिव लग रहा है। और देखें तो बाकी इसका जो ओवरऑल क्वालिटी भी ठीक ही ठाक है, इसमें भी आप 8 आवर्स का वर्क टाइम मिलेगा जिसे आप चार्ज कर सकते हैं, 1 आवर्स के अंदर ये पूरा कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है ठीक। ये रेड कलर में अवेलेबल है और काफ़ी सारे कलर में अवेलेबल है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे ईयरफोन्स का। अब जो फोर्थ नंबर पे है वो है स्केच फैब मैग्नेटिक ब्लूटूथ हैंड फ्री ईयरफोन्स। इसमें आपको 1 साल का वारंटी भी मिलेगा और ये सर्टिफाइड टेस्टेड है, ऐसा इसमें लिखा है। देखें तो ये भी सेम उसी की तरह ही है, इसमें भी आप मैग्नेटिक ईयरबड्स मिलेगा, 349 रुपीज़ का 1.1 ब्लूटूथ है, तो ये भी एक ऑप्शन है। और जो लास्ट ऑप्शन है सो जो लास्ट ईयरफोन है वो सैमसंग गैलेक्सी प्रो B75110 है, लेकिन मेक श्योर ये कि ये सैमसंग का ईयरफोन नहीं है ये मैं 100% श्योर ये सैमसंग की ईयरफोन नहीं, ये उसी तरीके से एक फर्स्ट कॉपी है, तो भी ये ठीक ठाक है, स्वेट प्रूफ है, देख सकते ओवर द ईयर ईयरफोन ठीक ही ठाक है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 500 रुपीज़ है और 4.1 का दिया है, स्वेट रेजिस्टेंट है। अगर आप रनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप जॉगिंग वॉगिंग करते हैं, जिम विम जाते हैं तो ये वाला है। बस ये थे कोई 5 ईयरफोन जो कि अंडर 500 रुपीज़ में थे एवरेज क्वालिटी के। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी के भी लेना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम अर्शद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।